हेलो स्टूडेंट दिस इज पवन कुमार गुप्ता फ्रॉम सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड दिस इज़ थर्ड वीडियो ऑफ योर इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट इन दिस वीडियो वी डिस्कस इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इज द द क्रैंकी मकाओ क्लास सिक्स इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग ठीक है जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इस सारे वर्ड मीनिंग को आप अपने फेयर कॉपी पे लिखेंगे ठीक है फेयर कॉपी पे लिख के और लर्न करना नहीं भूलेंगे सो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड इज रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मीन्स होता है रेंगने वाले जंतु जो कीड़े मकोड़े होते हैं रेंगने वाले जंतु उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं ठीक है कंपनी या साथ देना किसी व किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का साथ हो देना ये तो कंपनी ठीक है पेट यानी पालतू जानवर जो पालतू जानवर होते हैं कुत्ता बिल्ली या जो भी पेट के पेट के अंदर जाते हैं जो कि पालतू होते हैं ठीक है सेलर मतलब नाविक जो नाव चलाते हैं लोग नाविक उनको सेलर बोलते हैं ठीक है पेट्स पे समुद्री डाकू ठीक है स्पेंड मतलब खर्च करना जैसे मैं एग्जांपल हूँ स्पेंड के लिए आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी मतलब मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए तो स्पेंड मीन्स खर्च करना स्टे मतलब रुकना या ठहरना ठीक है मतलब इसका एग्जांपल लूँ से आई स्टे इन हीयर मैं यहाँ रुकूँगा ठीक है आई स्टे इन होटल मैं मतलब होटल में रुकूंगा ठीक है इंस्टीट मतलब बजाय के बावजूद या बजाय ठीक है सरकिंग मतलब होता है चीखना तेजी के साथ चिल्लाना या चीखना ठीक मतलब है क्रैंकी मतलब होता है विचित्र यासन की फोबिया बोल सकते हैं ठीक है थीके? ये होते हैं विचित्र लोग ठीक है प्लमेज मतलब होता है पक्षियों का पर पक्षियों के पार होते हैं हम प्लमेज बोलते हैं टेल टेल मतलब पूछ जैसे कुत्ते का पूछ होता है बिल्ली की पूँछ होती है टेल ठीक है फेदर मतलब पंख जिससे उड़ते हैं पक्षी ठीक है रम रंब पिछला बाग बैक साइड टेम्पर क्रोधी स्वभाव तुरंत मतलब जो लोग क्रोधित हो जाते हैं गुस्सा करने लगते हैं उसको टेम्पर बोलते हैं ठीक है वेस्टलिए मतलब होता है सीटी बजाना वेन जब कभी भी ठीक है प्रिंटेंट मतलब बहाना मारना ठीक है नेक्स्ट है फेंट फेंट यानी घायल या मूर्छित ठीक है हाइड मतलब छिपना या छिपाना स्टॉप बाउंड मतलब होता है जिद्दी ठीक है सोलेट्री मतलब अकेले समय यापन करना है ऐसे स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा इस स्कूल में होंगे जो कि अकेले रहते हैं किसी से बोलते नहीं हैं ठीक है चुपचाप रहते हैं टैसेटॉन होते हैं और ऐसे वस्तु ऐसे वो व्यक्तियों को सोलिट्री बोलते हैं जो कि अकेले रहते हैं ठीक है स्क्रीच मतलब होता है चीख कर बोलना मिट्टरिंग मतलब होता है धीरे धीरे बोलना या बुदबुदाना या फुसफुसाना ठीक है वेकअप मतलब जागना टेरिफाइड मतलब भयभीत या डर जाना ठीक है स्कैप मतलब बच निकलना यानी नि बच कर भाग जाना ठीक है या बच निकलना ट्रिपेड मतलब ठोकर खाकर गिर जाना स्ट्रक मतलब टकराना ठीक है इसेस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा खुशी फ्रोज मतलब ठंडे पड़ जाना वर्स्ट मतलब एकाएक यानी एपी फैनी मतलब अचानक ठीक है यहाँ पे आप अचानक भी लिख सकते हैं इसके लिए ठीक है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं अचानक ठीक है सो हेयर आर कंप्लीटेड योर ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग टू रिलेटेड द चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे सारे वर्ड ब्रिक जो थे चैप्टर वर्ड से रिलेटेड सारे कंप्लीट हो चुके हैं तो इसको अपने फेयर कॉपी पर लिखिएगा लर्न कीजिएगा ठीक है एंड नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके ग्रामर एक्सरसाइज दिए हुए हैं इंग्लिश रीडर में हम उन पर चर्चा करेंगे ठीक है थैंक यू